हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, साइकेट्रिस्ट, डीएडिशन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। तो आज अपन बात करेंगे नाइटफॉल, स्वप्न दोष या नॉक्चुरल एमेसिस के बारे में। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो उनको ये चिंता सताए रहती है कि साहब उनको नाइटफॉल होता है और नाइटफॉल होने की वजह से हमारे बॉडी में पेन रहता है, जोड़ों में जकड़न रहती है, दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, हमारा काम करने में मन नहीं लगता, घबराहट रहती है, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है और हमें ये चिंता सताए रहती है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, हमारी सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी। इस तरह की चिंताएं लेकर के हमारे पास में पेशेंट आता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में जितनी भी मिसकंसेप्शन है, अवधारणाएं है, उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। रात को या दिन में नींद के समय में जब आपको सपने आते हैं, वो सेक्सुअल ड्रीम्स हो या किसी और तरीके के सपने हो, और उस समय वीर्य का निकल जाना नाइटफॉल कहलाता है या स्वप्न दोष कहलाता है। दोस्तों, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ज्यादातर ये यंग लोगों के अंदर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते। आपके शरीर से वीर्य निकलने के तीन तरीके हैं, या तो आप सेक्स करें, या आप मास्टरबेशन करें, या आपको नाइटफॉल होगा। इन तीनों तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे वीर्य आपकी बॉडी से बाहर निकले। अब अगर आप सेक्स नहीं करते हैं, आप हस्त में तो मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं, तो नाइटफॉल होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने बॉडी के अंदर वीर्य बनता रहता है, सीमन बनता रहता है, और वो 24/7 बनता रहता है। वो टेस्टिस में बनता है और एपिडिडाइमिस एक तरह की एक जगह होती है, छोटी सी ग्लैंड्स होती है, उसके अंदर सारा वीर्य इकट्ठा हो जाता है। अब वो बन तो रहा है और लेकिन वो तो ऑलरेडी भरी हुई है, तो क्या होता है, ओवरफ्लो होकर के वो बाहर निकल जाता है, वो नाइटफॉल के रूप में बाहर आ जाता है। और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका एक मटका है, अब मटके में आपने नल से पानी भर रहे हैं और वो मटका भर गया, तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो होकर के बाहर निकलेगा। सिमिलरली इसी तरीके से वीर्य भी बनता रहता है और वो ज्यादा हो जाने की वजह से शरीर से बाहर आ जाता है। शरीर से वीर्य जब निकलता है तो उससे किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, किसी तरह की कोई शारीरिक कमजोरी नहीं आती, किसी तरह की मानसिक कमजोरी नहीं आती, और ना ही किसी तरह की सेक्सुअल कमजोरी आती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे बाकी के हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं, स्त्राव बनते हैं और रिलीज होते हैं, उसी तरीके से सीमन बनता है और वो भी शरीर के बाहर जो है वो रिलीज होता है। इससे किसी तरह का नुकसान या कमजोरी नहीं आती। कमजोरी आती है, आप उसके बारे में चिंता करते हैं, आपको डर लगा रहता है, आप उसके बारे में चिंता करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, आप देखते हैं कि ये ठीक होना चाहिए। आप रात में सोते हैं तो फिर आपको नाइटफॉल हो जाता है, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता उसके ऊपर, थोड़े दिन बाद में फिर नाइटफॉल हो जाता है। नाइटफॉल भली महीने में एक बार हो या सप्ते में चार बार हो, ये पूरी तरीके से एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसके लिए आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। समाज में कुछ अवधारणाएं फैली हुई है, उसमें एक अवधारणा ये भी है कि अगर नाइटफॉल होता है तो आपका वीर्य पतला हो जाएगा, दूसरा है कि आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह पाएंगे, आपके इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं। वीर्य का पतला होना या सेक्सुअल कमजोरी आना, इन दोनों का आपके नाइटफॉल से कोई संबंध नहीं है। इसका लेना देना है आपके टेंशन से, तनाव से। अगर आप चिंता करेंगे तो आपको सेक्सुअल वीकनेस हो सकती है। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की मानसिक बीमारियों के संबंधित या नशा मुक्ति से संबंधित या सेक्सुअल बीमारियों के संबंधित जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।